नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेब गॉड की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी की वीडियोस आपको मिलती रहे, आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में एक और नई एसक्यूएल इंजेक्शन मिटिगेशन की जो सेक्शन है वो देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लॉगिन भी कर लिया इस बार और यहाँ पे सीधा मैं आ चुका हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन मिटिगेशन में और सेवन्थ सेक्शन में। तो इस वीडियो में हम सेवन्थ सेक्शन, एट्थ सेक्शन दोनों देखेंगे क्या क्या लिखा है और समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद नाइन्थ टेंथ सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए, ये थोड़ा थियोरेटिकल वीडियो होने वाला है, तो सबसे पहले चलते हैं सेवन्थ सेक्शन पे। यहाँ पे दिया है हमें पैरामीटराइज क्वेरीज डॉट नेट में। तो यहाँ पे अगर हम सेवन्थ सेक्शन में देखें तो हमें दिया है पैरामीटराइज क्वेरीज डॉट नेट में, ठीक है। डॉट नेट में पैरामीटराइज क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे पहले पब्लिक स्टैटिक बूल इज यूज़र नेम वैलिड स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिफाइन किया है यूज़र नेम को, स्ट्रिंग यूज़र नेम डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर उसका रिजेक्स का नाम दिया है आर न्यू रिजेक्स, ठीक है। रिजेक्स को कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीज़ें। उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, इज़ मैच यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम मैच हो रहा है या नहीं। फिर यहाँ पे देखिए एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज सेट एंड ओपन एल्सवेयर फॉर ब्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन बनाया जाएगा, यहाँ पे देखिए एसक्यूएल कमांड सी एम डी न्यू एसक्यूएल कमांड स्ट्रिंग कौन, ठीक है। तो कनेक्शन बनाया गया है डेटाबेस के साथ और फिर पैरामीटराइज क्वेरी का यूज़ किया है। ये देखिए स्ट्रिंग सिलेक्ट स्ट्रिंग इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर टेबल वेयर यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है। तो यूज़र नेम ये कहाँ से आएगा, यहाँ से जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है एट द रेट यूज़र आईडी, ठीक है। अब एसक्यूएल कमांड सी एम डी न्यू एसक्यूएल कमांड सिलेक्ट स्ट्रिंग कौन, कौन कहाँ है हमारा, तो कनेक्शन से जो हमारा जो सिलेक्ट स्ट्रिंग होगा वो सिलेक्ट स्ट्रिंग कहाँ से करेगा, यहाँ से ऊपर से, ठीक है। अब देखिए इफ़ द इज़ यूज़र नेम वैलिड यू आई डी यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर वैलिड है, ठीक है, तो सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड एट द रेट यूज़र आई डी एस क्यू एल डी बी टाइप डॉट वेयर केयर 16 डॉट वैल्यू इक्वल टू यू आई डी, ठीक है। अगर यूज़र नेम वैलिड है तो यहाँ पे यूज़र नेम की वैल्यू आएगी, ठीक है, कैसे, रेजेक्स बन के, और एसक्यूएल डेटा रीडर माई रीडर सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर, तो रीडर एग्जीक्यूट करेगा। और इफ़ माई रीडर मेक द यूज़र रिकॉर्ड एक्टिव इन सम वे, ठीक है, माई रीडर अगर होगा तो माई रीडर डॉट क्लोज, यानी कि जो रिकॉर्ड है उसे एक्टिव किया गया है। और अगर ये सब नहीं होता है तो एल्स हैंडल वैलिड इनपुट एंड कैच एक्सेप्शन ई, ठीक है। तो वैलिड इनपुट डालने के लिए यहाँ पे हैंडल हमें डालना होगा। तो ऐसे यहाँ पे लिखी जाती है पैरामीटराइज क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम जो स्ट्रिंग यहाँ पे दिया गया है यूज़र नेम, वो एक पैरामीटर दिया गया है और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे जो यूज़र इनपुट करेगा वैसे डालेंगे एक पैरामीटर की वैल्यू के तौर पर। इसलिए यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन है वो उसकी जो हम एक्चुअली इनपुट में जो हम वैल्यू डालेंगे वो एक पैरामीटर यूज़र नेम नाम का पैरामीटर है उसकी वैल्यू के तौर पर आएगा। तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो यहाँ पे हम पैरामीटराइज क्वेरी से मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैरामीटराइज क्वेरीज ऐसे लिखी जाती है, ऐसा टाइप का कुछ कोड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एट, जिसमें यहाँ पे दिया गया है इनपुट वैलिडेशन रिक्वायर्ड।
सच में क्या हमें इनपुट वैलिडेशन करना चाहिए एसक्यूएल इंजेक्शन को सेफ करने के लिए। तो सिंस माय क्वेरीज आर नो लॉन्गर इंजेक्टेबल, डू आई स्टिल नीड टू वैलिडेट माय इनपुट? तो उसका आंसर है यस। देखिए, मैंने यहाँ पे ये क्वेरीज तो लिखी, पैरामीटराइज क्वेरीज लिखी, ये सारा कुछ किया, और अब मेरा कोड जो है वो सेफ है एसक्यूएल इंजेक्शन से, पर फिर भी क्या मुझे इनपुट वैलिडेशन करना ज़रूरी है? इनपुट वैलिडेशन का अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लीजिए हमें कहीं पे यूज़र नेम पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यूज़र नेम में सिर्फ वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आप नंबर्स और लेटर्स डाल सकते हो। तो उसकी जगह मान लीजिए हम कोई स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, जैसे कि हैश टैग हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स अगर हम डालते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वहाँ पे इनपुट वैलिडेशन नहीं है कि जो इनपुट्स दिए हैं उसके अलावा दूसरे इनपुट्स भी हम डाल पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इनपुट वैलिडेशन नहीं है। तो क्या वो इनपुट वैलिडेशन यानी कि जो हमने पहले से डिफाइन किए हैं सिर्फ नंबर और लेटर्स जाने चाहिए, वो चीज़ करनी पड़ सकती है क्या? क्योंकि हमने पैरामीटराइज क्वेरी से एसक्यूएल इंजेक्शन को सेव किया है, तो वो फिर भी हमें क्या इनपुट वैलिडेशन करना ज़रूरी है? तो उसका आंसर है यस। तो इनपुट वैलिडेशन और कौन कौन से अटैक को प्रिवेंट कर सकता है वो अगर बात करें, तो प्रिवेंट अदर टाइप्स ऑफ अटैक्स फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के अलावा अगर हमने इनपुट वैलिडेशन किया हुआ है तो इनपुट वैलिडेशन एसक्यूएल इंजेक्शन के अलावा इन सारे अटैक्स को भी प्रिवेंट करता है, जो कि है स्टोर्ड एक्सेसेस, ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन लीकेज, उसके बाद लॉजिक एरर्स, बिजनेस रूल वैलिडेशन और एसक्यूएल इंजेक्शन। ये चारों अटैक्स को इनपुट वैलिडेशन जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ऑफन द डेटाबेस इज कंसिडर्ड ट्रस्टेड, हमेशा डेटाबेस को ट्रस्टेड, ज़्यादातर ट्रस्टेड माना जाता है। तो यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन भी करना ज़रूरी है, चाहे आप प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज़ करें, चाहे आप पैरामीटराइज क्वेरीज यूज़ करें, .NET में, जावा में, कहीं भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और पैरामीटराइज क्वेरीज .NET में कैसे लिखी जाती है ये कोड मैंने आपको समझा है, पिछले दो वीडियो से पहले हमने पैरामीटराइज क्वेरी जावा का एग्जाम्पल देखा था कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो .NET में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, और .NET में अगर लिखते हैं तो ये इस टाइप का कोड यहाँ पे होता है। और इनपुट वैलिडेशन क्या होता है और कैश क्यों रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 9th वाला जो प्रैक्टिकल है, इनपुट वैलिडेशन अलोन इज़ नॉट इनफ, वो हम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी, और कैसे मैंने सब कुछ परफॉर्म किया, कैसे इसे सॉल्व किया वो भी आपने सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी ये सारी चीजें सीख सके प्रैक्टिकली। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।